डांसर्स पैसा कमा पा रहे हैं पहले बता भाई। मैं तो मेरे को पता नहीं भाई डांसर्स को मतलब। मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है उत्तराखंड देहरादून का बहुत ही सुपर टैलेंटेड लौंडा जो कि यू नो डांसर भी है, कोरियोग्राफर भी है, एंकर भी है। तो तालियां बजा के स्वागत करो मेरे भाई राघव जुवियाल का। तालियां। क्या बात है राजेंद्र प्रसाद मेरे भाई। आते ही इन्होंने फसाद कर दिया, मेरा नाम बता दिया राजेंद्र प्रसाद। नहीं नहीं यार भाई, वो अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, लगता है कि कोई पहाड़ी आदमी गया है कहीं। और सारे जितने भी पहाड़ी बहुत टैलेंटेड है, दो यहीं बैठे हैं सामने आमने सामने। ठीक है, पहले मुझे तो भाई कैसे हो भाई? बहुत ही अभी चंद्रशिला से होकर आए हो, बड़ा बड़ा ही मौसम बड़ा खराब था वहाँ। और दो मेरठ के लोग थे तो उन लोगों को बचा करके हम नीचे लाए, उनको आदत नहीं है। हमारी भी हालत थोड़ी ख़राब थी लेकिन मज़ा आया यार, दोस्तों के साथ मज़ा आता है। ऐसे टफ जो सिचुएशन होती है, सर्वाइवल होता है, उसमें अलग अलग चीज़ें रियलाइज होती हैं, मज़ा मज़ेदार। मुझे लगता है कि मैन वर्सेस वाइल्ड देखता रहना चाहिए क्योंकि उससे बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। शक्ति मोहन थी आपके साथ, उसका कैसा एक्सपीरियंस था? वो डर रही थी क्या क्योंकि हवा जैसे का बवंडर था? हाँ, उसके लिए तो ऐसा था कि वो अलग प्लैनेट, उसके लिए कभी उसने एक्सपीरियंस नहीं किया, ये अनुभव नहीं किया है कि ऐसा भी कुछ होता है और ऐसे भी लोग रहते हैं पहाड़ी, हम लोग कैसे रहते हैं इतना करने के बाद भी वापस आके, मतलब रात को पार्टी करनी होती है, तो ये सब उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। उसका थोड़ा बिल्कुल वैसा ग्रीन टी वीन टी एकदम वैसा सैलेड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाला हिसाब था, तो लेकिन वहाँ जाके उसने बिल्कुल खुल गई और अपने सारे उसने अलग था उसके लिए, बहुत खुली है वो वहाँ जाके। तो मतलब मुझे लगता है कि और सेलिब्रिटीज़ को आपको यहाँ लाना चाहिए। लाते रहता हूँ, हर साल लाता हूँ, हर साल मेरा टूर है। मैं वो कम हूँ आर्टिस्ट और वो ज़्यादा हूँ क्या बोलते हो, ट्रैवल एजेंट गाइड। हाँ गाइड। उससे मुझे याद है कि भाई वरुण धवन को तुमने यार क्या बोलते हैं यहाँ के उत्तराखंड की भूत वाली स्टोरीज बता दी कि जॉर्ज एवरेस्ट पे ये होता है वो होता है, कि कोई यू नो कपल हनीमून के लिए आया था, वो भूत वाले होटल में वो बेचारा बहुत डरा हुआ यार, ऐसे क्यों करा तुमने? नहीं मैगी पॉइंट और वो सब बताया और एक डेढ़ महीना हम लोग साथ ही बगल में रूम में हम लोग बातें चलती थी, तो अपने देहरादून के बारे में और उत्तराखंड के बारे में जितना प्रचार हो सका मैंने किया, वरना लोगों को पता नहीं लगता है, वो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश ना, मेरे को गुस्सा आता है, फिर मैं बताता हूँ नहीं भाई उत्तराखंड ये बुरास ये सब कुछ बताता हूँ, देवभूमि क्या है कहाँ है तुंगनाथ सब बताता हूँ, ये प्रॉपर पहाड़ी है। ठीक है भाई, पूछता हूँ कि घर आके कैसा लग रहा है पहले? घर आके बहुत बढ़िया लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम से बाहर था और अभी घर आया हूँ तो एकदम रिलैक्स और फैमिली के साथ दोस्तों के साथ और एकदम रिलैक्स मूड में हूँ। वहाँ पर बिल्कुल डूइंग में था मैं, यहाँ पर बीइंग में हूँ, यहाँ फुल एंजॉय करो ना। अच्छा मेरे को पता है कि यार जब आप देहरादून आते हो तो मतलब अब जैसे यू नो अब आप राघव जुवियाल हो, द राघव जुवियाल, यू नो सब बात करते हैं कि भाई यू नो वापस, यहाँ ऐसा होता है कि आस पड़ोस जब घूम रहे हो तो लोकल मार्केट में निकल के तो ऐसे सेलिब्रिटी वाला अभी मेरे को देखो देख राघव जा रहे हैं फोटो लेते हैं, ऐसे कुछ सेलिब्रिटी वाली फीलिंग देते हैं आपको? देहरादून में कम है क्या? बाहर ज्यादा है, बाहर ज्यादा है क्योंकि देहरादून में सभी तो पर्सनली जानते हैं तो वो क्यों करेंगे। दूसरी चीज, हिंदुस्तान में सेलिब्रिटी कल्चर बहुत है और मेरे ख्याल से ये इतना होना नहीं चाहिए क्योंकि क्या होता है तुम्हारे एक्सपीरियंसेस कट जाते हैं, क्योंकि हम मैं काम कर रहे थे, मेरे को जो आता है वो मैं कर रहा हूँ यार, मेरे को डांस आता था और एक्टिंग वैक्टिंग अभी सीख रहा हूँ तो वो मैं कर रहा हूँ, कोई मैकेनिक होगा वो गाड़ी ठीक कर रहा होगा, कोई डॉक्टर होगा डॉक्टरी कर रहा होगा, फिर तुम डॉक्टर ऑपरेशन करता रहो, एक ही है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग चीज़ जाके मैं कर रहा हूँ, मतलब वो ऐसा बना दिया है, मेरा भी काम करता हूँ, मेरा काम है, मुझे उसका पैसा मिलता है, जितने भी थोड़े बहुत पैसा मिलता है वो लेके मैं घर आता हूँ, नॉर्मल काम है जैसे डॉक्टर करता है, इंजीनियर करता है या फिर मैकेनिक जाके करता है या हमारे घर में माया कर रहे हैं। हाँ, इट्स लाइक अ जॉब, इट इतना कोई वो बड़ी वो बात नहीं, जैसे तुम कर रहे हो, तुम इंटरव्यू लेते हो, तुम्हारी जॉब है ना, वैसे ही मेरा जॉब है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो आर्टिस्ट है, वो सेलिब्रिटी कल्चर इतना ज़्यादा ग्लैमरस कर दिया इस कल्चर को कि मैं सोचता हूँ कि आर्टिस्ट के एक्सपीरियंसेस कट जाते हैं, जब तक एक एक्टर या आर्टिस्ट कोई भी बंदा होगा वो जाके बाहर टमाटर नहीं देखेगा, अच्छा वो कितने किलो के रुपये किलो है, उससे बात नहीं करेगा नॉर्मली, वो उसे गाली नहीं देगा, वो एक्सपीरियंस फील नहीं करेगा, वो इमोशन गाली देती मेरे को, ये सब एक्सपीरियंसेस फील करने चाहिए तो आज आके वो आप स्टेज में कुछ कर पाओगे, तो ये एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, ब्लॉक हो जाओगे, ब्लॉक हो जाता है इंसान। बट यार एक ऐसा होता ना कि यार मतलब मैं देहरादून जैसे होम टाउन आपका इधर है, बट यार ऐसा नहीं कि यार यहाँ के मतलब क्योंकि जब आप मुंबई दिल्ली या और अदर सिटीज़ में होते तो वहाँ फुल आपको सेल वाली फील देते हैं लोग, बट कि अपने होता ना कि यार अपने घर के पास नहीं दे रहे यार, मतलब क्या गड़बड़ है, कहाँ मतलब क्या लगता था, कहाँ कमी लगता नहीं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल पागल हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं यार, साथ ही तो था है बाला है सारे पड़ रहा क्या है अपना नहीं है, तो वो भी एक ज़रूरी है, उससे बंदा ग्राउंडेड रहता है,
मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता। पहले लगता था कि यार क्या है, मैं इतना करके उत्तराखंड के लिए कर रहा हूँ, जान दे रहा हूँ वहाँ पर, दिन रात तीन तीन दिन सोता नहीं हूँ मैं, करते रहता हूँ नाम कमा। लेकिन फिर वो क्या है, ग्राउंडेड रखता है। और बाकी ऐसे भी जो बहुत प्यार भी करते हैं, जैसे सब लोग हमारे भाई लोग हैं, सब लोग इनकी वजह से, इन्होंने पुश दिया, इनकरेज किया तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ। तो हाँ वो है यार, लेकिन मज़ा आता है मुझे। और उत्तराखंड आने में क्या होता है, ग्राउंडेड रहता हूँ मैं, अपने रूट से कनेक्टेड रहता हूँ। तो देखो जैसे आपने बोला कि नो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आपको ग्राउंडेड रखते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे जो आपको नो ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं। सो कभी ऐसा हुआ कि आपने पिक्चर भी की थी अभी बीच में, से गाना बादशाह भाई का बहुत हिट हुआ था, पर कभी दोस्तों बोले क्यों करी तूने? हाँ हाँ, वो तो पिक्चर देखने से पहले बोलते हैं कि यार मैंने बोला फिल्म, तो वो तो बहुत छेड़ते हैं यार दोस्त लोग, तो ऐसे बोलते हैं कि अरे तेरा जितना सीन तेरा ट्रेलर में उतनी सीन तेरा पिक्चर पे भी है ना। फिर वो हंसते हैं, फिर वहाँ मिलके मतलब लेते हैं वो बेसिकली, हाँ। वो लेते हैं, वो तारीफ नहीं कर सकते वो, मतलब वो अलग हो ही, वो अगर कर देंगे तो अलग हो जाएगा मामला, हाँ। तो उनका ऐसा है कि मतलब बहुत ही, अभी जैसे मैं वो करने गया हूँ स्ट्रीट डांसर, हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई तेरा सीन आने, जब तेरा सीन आने वाला होगा तो मुझे बता देना, क्योंकि तू आएगा तू चले जाएगा पता नहीं लगता, राघव देखा राघव, हाँ। तो वो वैसे छेड़ते हैं, तो छेड़ते रहते हैं ऐसे वो, तो मेरे को अच्छा छेड़ते रहना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। मुझे बोलते तू कितनी गंदी एक्टिंग करता है ना, मैं इतनी गंदी, सच तुम्हारा वो करता है डुटियाल वो उठाता मीट, हाँ मीट, हाँ समझ रहे हो, तो वो ऐसे छेड़ते रहते, तो वो कभी ऐसे नहीं तारीफ नहीं करते। हाँ तो आप खुद लगता है गंदी एक्टिंग करते हो क्या? हाँ यार भाई मुझे लगता है मैं बहुत ही गंदी एक्टिंग करता हूँ, और उसे इम्प्रूव और उसे सुधारने के लिए मैं अभी वो थिएटर थेरेपी और ये सब जो मेरे सौरभ सर वगैरह हैं, सौरभ सचदेवा, तो हाँ उनसे सीख रहा हूँ, और जितना व्यक्तिगत ईमानदारी मेरे अंदर आएगी उतना मैं करके करता हूँ। तो आप सही राह पे जा रहे हो, क्योंकि देखो आपके दोस्त इतने बढ़िया हैं ना, जो आपको मुझे लगता है कि राइट ओपिनियन और राइट आंसर देना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बंदा अपने ड्रीम में एक अलग ही लेवल। नहीं मैं अगर अच्छी भी कुछ कर रहा हूँ करूँगा तो वो लेंगे मेरी, वो लेते हैं, अच्छा वो लेंगे लेंगे, और वो उससे मजा आता है मुझे, किक मिलती है, किक मिलती है, हाँ ठीक है, क्योंकि मैं भी उनकी फिर वो करता हूँ कुछ कुछ चक्कर। हाँ अच्छा मेरे को बताओ, यू नो डीआईडी से लेकर सीजन 3 में आप थे, डीआईडी से लेकर अब तक की जो आपकी जर्नी रही वो कैसी रही है? यार बहुत ही ग्रो हो रहा हूँ मैं, पहले मैं बहुत क्या बोलता हूँ उस शब्द को, बहुत प्रिटेंशियस था, मतलब मैं आई वॉज ट्राइंग टू बी समवन हु आई एम नॉट, सिर्फ क्योंकि दिखाना है कि मैं यू नो वो हूँ स्पिरिचुअल हूँ, अच्छा मैं हिप हॉप हूँ, मैं यू नो बाल कलर करा दिए, फेक था वो नाम भी क्रॉकरोज रख दिया, बिकॉज सब लोग कहीं ना कहीं सबकी इनसिक्योरिटीज होती हैं, और सब लोग कहीं ना कहीं फिट होने को ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल से मैं ऐसा हूँ, तो मैं आई वॉन्ट पीपल टू, मैं आई वॉज पोर्ट्रेइंग माई सेल्फ एज लाइक दैट समवन, बट नाउ आई एम, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खोल रहा हूँ अपनी पर्दा जितना हो सके उतना ऑनेस्ट हो रहा हूँ, निकाल नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, फिर साइड रख रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, फिर साइड रख रहा हूँ, तो ये उस प्रोसेस में हूँ अभी। और वो एज एन एक्टर बहुत काम आता है तुम्हारे, कि तुम जितना ऑनेस्ट रहो उतना ठीक है, पहले था, और जर्नी बहुत अच्छी थी, बहुत सीखने को मिला, बहुत छोटी उम्र में मैं चली गया था इंडस्ट्री में, तो कॉन्ट्रैक्ट अचानक से सब लोग, तो मैंने वो दिखा, फिर वो सीखते अभी बहुत बढ़िया जोन में हूँ, अभी बहुत मस्त जोन में। अभी क्या क्या चिल करते हो? मज़ेदार, मैं जब मन होता है मेरे को, मैं वहाँ मना करता हूँ और सीधा आता हूँ दोस्तों के साथ चिल विल करके वापस, बहुत प्रोफेशनल भी मज़ा आ रहा है, वहाँ पर भी मज़ा आ रहा है, सुन रहा बड़े प्रोफेशनल यार आप। हाँ प्रोफेशनल भी था पहले, मैं नहीं था, मतलब अब हुआ, अब जाके हो, ठीक है। अच्छा तो किसने बोला तुम्हें प्रोफेशनल? ये देखो रिसर्च अच्छी रहती है, रिसर्च अच्छी रहती, पता चल जाता है। अच्छा मेरे को बताओ कि यार यू नो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि अगर यू नो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर राघव को कभी इंटरव्यू करोगे तो ये पूछना कि वो भाई अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कैसे कर रहा है, यू नो आपकी सक्सेस बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी, आपने बहुत कम एज से आपने स्टार्ट किया, अब आप एज हम बताएंगे नहीं कि अभी कितने, क्योंकि बहुत यंग है दोनों, ठीक है, तो कैसे सेलिब्रेट करो सक्सेस को? सेलिब्रेट ये कर रहा हूँ कि भाई मम्मी पापा सबको जाके जितना भी मेरे को मिलता है मैं उनके लिए उनको दे रहा हूँ, और अब मैं शांत हूँ कि चलो मम्मी पापा के लिए सब कुछ है यार, घर में यहाँ पर रिस्पॉन्स मतलब पैसे वैसे थोड़े बहुत किए कि घर में मम्मी पापा खुश रहे, कल को मेरे पापा को कुछ हुआ तो मैं हॉस्पिटल में, मेरे को वो नहीं होना चाहिए अपना एटीएम कार्ड निकालने के लिए, क्योंकि सरकारी में तो भीड़ लगी रहती है, तो मैं भटकू ना, उनको कोई दिक्कत ना हो। हाँ और ये सेलिब्रेट दोस्तों के साथ बहुत सेलिब्रेट कर रहा हूँ, वही बचपन के मेरे दोस्त हैं, ये लोग पीछे बैठे हैं सब लोग, और सेलिब्रेट करता हूँ कभी कहीं मिल जाते हैं, राजपुरोड मिल जाते हैं तो वहाँ रुक जाता हूँ, किमाड़ी मिल जाते तो किमाड़ी रुक जाता हूँ, तो वैसे सेलिब्रेट कर रहा हूँ जैसे करता था, वो सभी क्या है वही कर रहा हूँ सेलिब्रेट, और
क्या बोलते हैं, बस वही जैसे नदियों में चले गए, मीट चावल बना लिए, पहाड़ी आदमी हूँ मतलब। हाँ, बाहर अगर लंदन वंडन जाते तो वहाँ सेलिब्रेट कर लेता हूँ, वहाँ थोड़ा महंगा हो जाता है, बस ये हो जाता है। तो बाकी मुझे ऐसा कुछ वैसा शौक नहीं है इतना, जितना पार्टी के, बस मुझे दोस्तों के साथ एंजॉय करने का शौक है बस। ठीक है, ये मैंने यार नोटिस की ना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे इधर के ही हैं। और मुंबई में कोई फ्रेंड मतलब है, कोई क्लोज फ्रेंड या मतलब? भाई मुंबई में है, बिल्कुल है, दोस्त है मुंबई में, धर्मेश भाई हैं, पुनीत भाई हैं, एक ताबिश करके लड़का है वो ज्वालापुर का है, बहुत सारे पुनीत भाई हैं, सब जो काम जिनके साथ करता हूँ, रेमो सर हैं, सब लोग हैं, लेकिन वो वर्क माहौल बहुत है वहाँ, तो वो दोस्त हैं बिल्कुल हैं, मज़े करता हूँ उनके साथ। और अब तो मैं एक साल हो गया कि मैं ज़्यादातर जितना हो सके अपने एक्टिंग सीखने में काम कर रहा हूँ। एक्टर्स ट्रुथ करके हैं, एक सौरभ सचदेवा है, वो बहुत, वरुण धवन ने बताया था, उनके मेंटर हैं वो। okay. तो उन वरुण धवन और इन लोगों ने बताया था, तो उन और एक अमित भाई उन्होंने बताया, तो उनके साथ गया मैं, तो अब एक साल से उन्हीं के साथ हूँ, तो जितना हो सके थिएटर वो सब सीख रहा हूँ, ले रहा हूँ उनसे, एक्टिंग कर रहा हूँ, मतलब फुल नॉलेज यू नो क्या आपने एज इन फ्यूचर में एक्टिंग की, तो उसके बारे में प्रॉपर आप सीरियस हो, प्रॉपर तरीके से करो, ऑल द बेस्ट ब्रोस के लिए, और मतलब खतरनाक काम करते रहो। लेकिन यार एक बात मैंने नोटिस करी, यू नो शक्ति मोहन से आप यार बहुत फ्लड करते हो शो पर, यू नो जो केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है जैसे टीवी पर हमें दिखती है, और मुझे लगता है कि यू नो इंडिया और स्पेशली उत्तराखंड के लोग उसको अपनी बहू मान चुके हैं शक्ति मोहन को, तो इस पर आपके क्या विचार है मैं जानना चाहता हूँ, मतलब मैं तो नहीं मतलब पूरा उत्तराखंड पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है मैं भी। यार मज़ा आता है, मज़ा आता है फ्लर्ट करने में उसके साथ, और हम मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ, दोनों बहुत कंफर्टेबल हैं, हम हमारा बहुत हेल्दी फ्लर्ट चलता है, फ्लर्ट चलता है, बहुत मज़ा आता है, वो इधर भी आई थी तो हमारा चलते रहा, बहुत ही हेल्दी फ्लर्ट चलता है, और वो स्क्रीन पे दिखता है दोस्त है, तो जैसे दोस्तों को जो हम लोग छेड़ते हैं कि, तो वैसे वो स्क्रीन पे भी दिखता है, बहुत नेचुरल शो बनता है वो, और तो मज़ा आता है उसके साथ यार, और वो भी बहुत मज़ेदार लड़की है, वो स्क्रीन पे तो इतना होता नहीं, काफ़ी करती है लेकिन काफ़ी बहुत मज़ेदार है, वो अभी आई थी इधर पूरा उत्तराखंड एंजॉय किया उसने, सोचो चढ़ी है वो पूरा चंद्रशिला तक चढ़ी, लोग तुंगनाथ तक जो नए लोग जाते हैं वो बोलते नहीं जाना, वो भी बहुत ही मौसम ख़राब, बहुत स्थिति ख़राब थी, बहुत ज़्यादा वो चढ़ी ऊपर, फिर और ख़राब होगी ऊपर चल के, फिर हम लोग सब किया उसने। बट यार ऐसे कभी होता ना कि इतनी फ्लड करते करते कभी सच वाली फीलिंग्स निकल आती हैं? अच्छा सच वाली फीलिंग नहीं 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 वो नहीं, यू आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स और वी आर फ्लर्टिंग फ्रेंड्स, एंड मे बी वी आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर मे बी, बट कभी वो नहीं हुआ कि जिससे दोस्ती खराब हो, नथिंग सीरियस नहीं, वरना वो दोस्ती परफेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो, समझ रहे हो, वो दोस्ती परफेक्ट हो जाता है, तुम्हें तो पता ही होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, तुम तो गुजरे हो गए इससे, गुजरा तो नहीं बट हाँ आस पास एग्जाम्पल बहुत है तो मैं समझ गया। अच्छा रियल लाइफ में इतनी फ्लर्ट करते हो जनरली? नहीं सबसे नहीं, थोड़े बहुत जो है मेरे दोस्त लिया, हाँ जिनसे जो मेरे को जानते हैं, पर बहुत सारी ना लड़कियों की मुझे मैसेज आया कि यार वो बोल रहे थे कि राघव जुवियाल इज सिंगल और नॉट, यस सिंगल हो तो अगर बिल्कुल खतरनाक सोलह ने सच खतरनाक वाला, और रहूँगा भी सिंगल मेरे ख्याल से, मैं हो ही नहीं उस चक्कर में। मैंने सुना यार अभी मतलब आपके मॉम डैड के बोला है कि भैया मेरा छोड़ दो भाई की शादी कर दो, मैं शादी नहीं करने वाला, मतलब क्यों ऐसा यार? यार बड़ा इम्पल्सिव आदमी हूँ मैं, इम्पल्सिस पे जीता हूँ मैं, इम्पल्सिस मतलब मेरे को अगर कुछ भी हो सकता है, मैं फ्लो की ऐसा हो गया, अच्छा इधर गया तो इधर का इधर हो गया, कुछ पानी की तरह इधर हुआ था इधर कुछ हो गया, और फियर से नहीं जीता मैं, फियर से नहीं जीता, ब्लॉकेजेस में नहीं जीता हूँ, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल ब्लॉकेजेस होते हैं, सोशल ब्लॉकेजेस होते हैं कि ये नहीं करना चाहिए इससे पाप, वो नहीं करना चाहिए ना, ओ माय गॉड ये नहीं करना चाहिए, रिलीजियस ब्लॉकेजेस होते हैं कि इससे करने से पाप, तो वो उसमें नहीं जीता हूँ मैं, तो क्या मैं अभी खुद ढूंढते ढूंढते इंपल्सिव हूँ, तो वो उस ऐसा बंदा टिक नहीं पाएगा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसमें क्या होता है चेन में, वो है ना ये रॉकस्टार वाली बात है कि ये भैया ये बड़ा आसमान के लिए आपके पिंजरे के लिए नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मतलब मतलब फील वही है मतलब कि हाँ कि मतलब भाई नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, बट अगर यू नो अगर रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगा बिल्कुल जिसकी लेनी होगी जो लेता हूँ दोस्तों सबकी, वो इम्पल्सिव हूँ मैं, मतलब उस सिचुएशन के लिए नहीं बनाऊँ अभी इस वक्त नहीं बनाऊँ, क्या मतलब आगे जाके ग्रो हूँ और बन जाऊँ, यस। तो आगे जाके जब ग्रो हो गए तो मतलब राघव को किस तरह की लड़की चाहिए शादी के लिए, क्या अपने फीचर्स होने चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? यार मेरा वो मैच करना चाहिए बस, ये मेंटल लेवल, हाँ भाड़ी जी, और मज़ेदार होनी चाहिए। कैसे मज़ेदार मतलब इन टर्म्स ऑफ वैसे तो मैं इतना एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ, जैसी हो वैसी रहना, जैसे घूमे हाँ वैसा, ठीक है ठीक है भाई। अच्छा यार ये आपका जो ब्रोमांस है यू नो रफ्तार भाई के साथ बहुत ही जबरदस्त वाला, जब वो देहरादून आते हैं तो आपकी मम्मी उनको मटन खिलाती है, तो ये जो ब्रोमांस की शुरुआत कहाँ से हुई मेरे को ये बताओ यार।
यार ये जब हम लोग कुछ नहीं मतलब हम लोग का स्टार्ट नहीं हुआ था एज अ करियर, डांसर्स पैसा कमा पा रहे हैं पहले बता भाई। मैं तो मेरे को पता नहीं भाई डांसर्स का मतलब आपको देख लेता हूं एक बार। ठीक है भाई, ये हमारा वैसे ही हुआ था, दिल्ली में हम लोग जाते थे, एक साथ रहते थे, हाउस क्लास में बैठते थे, वो रैप सुनाता था, तब मानिक भी होता था उसके साथ, एक डांस करता था मैक्सन मानिक थे, मैक्सन मानिक थे और रैप सुनाते थे वो, तो तब हमारा शुरुआत हुई उस पर। और हम लोग दिल्ली देहरादून ट्रैवल करते थे एक साथ घूमने के लिए, और बस ऐसे शुरुआत हुई मेरी मैक्स से और रफ्तार से। और वो मुझे ऐसा लगता है हमारा बहुत ही घर वाला हिसाब है, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं वहाँ से बोल देता हूँ मैं आ रहा हूँ दिल्ली, वो इधर आता तो इधर बोल देता है मैं हूँ भी ना चाहे, तो वो इधर आके मम्मी से मिलके, बल्कि मेरी मम्मी उससे ज़्यादा वो करती हैं, देख रहा है तो उसे वो आता है और तू डायरेक्ट ऊपर चले जाता है ऊपर मतलब पहाड़ों में, पहाड़ों पर मेरे को हाँ हाँ वो ठीक है ना वो करके मैं निकल जाता, तो यस वो एक है हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा और मैक्स का, हम लोग एक एक साल मिले भी नहीं लेकिन जिस दिन मिलते थे ऐसा लगता है कि हम रोज़ मिल रहे हैं ऐसा वाला है। तो मुझे एक सीक्रेट बात बताओ रफ्तार भाई की, यू नो क्योंकि बॉन्ड इतना खतरनाक है जो मतलब उनके कट्टर फैन तक को नहीं पता, सीक्रेट बात मैक्स की क्या करते हो? मतलब देखो बाहर तो जो लोग देखते वो सेलिब्रिटी है, जो पीछे से आएगा पीछे तो नॉर्मल ही है ना, आपकी तरह मेरी तरह। तीन तरह की लाइफ होती है ना, एक तो सोशल लाइफ, एक पर्सनल लाइफ और एक प्राइवेट लाइफ। उसकी वो तो काफ़ी खुला बंदा है, उसे तो सब चीज़ वैसे बता ही देता है वो कैमरे पे, ऐसी कौन सी सीक्रेट बात है उसकी? सीक्रेट बात तो नहीं, एक इंसिडेंट याद आ गया मुझे। हाँ। सीक्रेट विक्रेट एक इंसिडेंट है तो उसको वैसे वैसे जूते वूते पहनने का बड़ा शौक है ना। हाँ। वैसे इंस्टाग्राम पर दिखता भाई जो से हो कि है वो, मैं बादशाह पाजी को भी उनको। हाँ, भी तो मुझे नहीं है इतना नॉलेज, तो वो एक शूज़ पहने तो उसने बड़े दुबई दुबई से कहाँ से लाया था वो, तो बहुत बड़े शूज़ थे तो उसके शूज़ में वो बने हुआ था कुछ रेप्टाइल सा, तो अब वो काफ़ी उस दिखा भाई देख शूज़ वूज़ बहुत देर से बोल रहा था, तो मैं भी छेड़ उसे छेड़ता बहुत हूँ मैं, तो मैंने कहा भाई तेरे जूतों में छिपकली चिपकी है, छिपकली गिरी हुई है, कहाँ है कहाँ है? तो वो क्रोकोडाइल था वो दरअसल, समझ रहे हो, वो छोटा था ना क्रोकोडाइल, पता है कौन से जूते ये वो दुबई का, मैं हंस रहा हूँ वहाँ पर मज़ेदार, तो ऐसे मज़े लेते रहता हूँ मैं उससे, मज़े लेते रहता हूँ। ठीक है, अच्छा यार मैंने एक चीज़ यू नो नोटिस करी यहाँ पर यू नो कि देहरादून में यू नो लोग जो यूथ है वो आपको अपनी इंस्पिरेशन मानता है, सो उनके लिए आप यू नो क्या कहना चाहते हो यार, क्योंकि जो अभी उत्तराखंड पर जो हिप हॉप सीन है या बाकी और भी जो कल्चर है बहुत अच्छा कर रहा है लोग, यानी स्पेशली जो यूथ है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और यू नो आप एक ऐसे हो कि यू नो जो मुंबई जाके यू नो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो एज एन एंकर कोरियोग्राफर एक्टर भी, आप मूवी आ रही है आपकी और भी आ रही है, तो वो आपको अपनी इंस्पिरेशन मानता है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे उनको? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी हमारा देहरादून का उत्तराखंड का यूथ है वो ये ध्यान रखे कि यार आप अपनी आर्ट को एंजॉय करो, ऑनेस्टली करो, और फेम अपना मिलते रहेगा, आप आर्ट के साथ ऑनेस्ट रहो। मैं काफ़ी बार बोलता हूँ, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ कि फेम इज़ अ डेविल आर्ट इज़ एन एंजल, फेम विल कम एंड गो ऑन इट्स ओन बट आर्ट विल बी देयर विद यू फॉर एवर, वो चाहे चार दीवारी के अंदर हो आप, चाहे कहीं जंगल में बैठे हो। और दूसरी चीज़ जैसे जो करना है वो करो आप, और माँ बाप को बोलूँगा कि आप उन्हें और प्रोत्साहन दो, और बहुत सारे ऐसे आर्ट फॉर्म्स हैं जो अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं हुए हैं और हम लोग वो ट्राई कर रहे हैं करने को, हमारे सारे भाई लोग भी कर रहे हैं, उसको आप नेगेटिव वे में मत लो, चाहे वो स्टंटिंग हो चाहे वो कुछ हो, एक्सप्लोर आप जो चीज़ आपने देखी नहीं हमेशा उससे डर लगता है आपको, बट डोंट बी इन फियर, ट्राई टू एक्सप्लोर इट, गलत होगा, यू डू मिस्टेक से नई चीज़ बनेगी, ट्राई एक्सप्लोरिंग इट, जैसे तुम लोग कर ही रहे हो सारा यूथ जो हमारा कर ही रहा है, एंड अपने रूट से ज़रूर जुड़े रहो यार, अपने भाई लोग को आके मिलो, उन्हीं के साथ पार्टी करो, वही तुम्हें मज़े दिलाएंगे, क्योंकि वहाँ पर देख रहे हो आप क्या हो रहा है, कोई डिप्रेशन कोई कुछ समझ रहे हो, बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस एंड योर सेल्फ एंड ओपन अप एंड लाइफ इन्जॉय करो। जय हिंद जय उत्तराखंड। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। मेरे को बताइए जब आप ना मुंबई में होते हो यू नो वरुण धवन भाई के साथ, रेमो सर के साथ या बाकी और जो एक्टर सेलिब्रिटी करते हैं, तो उनके साथ बैठो तो क्या बातें होती है, क्या किससे निकलते हैं? वो ज़्यादातर तो किससे वो मेरे ही सुनते हैं। हाँ। और हमारा हंसी मजाक बहुत, मैं भी वहाँ वैसे ही रहता हूँ, मेरे को कुछ नहीं वो होता, मैं किसी के साथ बैठा हूँ जैसा मैं हूँ वैसे ही रहता हूँ, मुझे मेरी आदत है, और मैं इतना वो Page 3 पार्टीज वार्टीज में मेरे आदत नहीं है जाने की, तो जिनके साथ मैं काम करता हूँ शूट के दौरान मैं उनसे बहुत मज़े लेता हूँ, और मेरे को जो कहना होता है वो मैं कहता हूँ, मेरे को जो मन होता है वो मैं करता हूँ, और मैं रिस्पेक्ट सबकी करता हूँ, डरता किसी से नहीं हूँ, ये मैं वैसे जीता हूँ वहाँ मुंबई में,
और वो चाहे कहीं पर भी हो कैसे भी हो। और यस अभी आप यूरोप गए थे स्ट्रीट डांसर में शूट करने, तो वहाँ वरुण धवन के साथ मैं तो क्या क्या बात हुई कुछ? वो तो दोस्त है, वो तो बहुत ही यार दोस्त, अभी बोला भी था काव्य को वरुण भाई ने सब कुछ, तो हम लोग यार बहुत मज़े लेते हैं। और हमारे मेरे पास एक वीडियो भी पड़ी, वो अभी तक आउट नहीं हुई हूँ, मैं करूँगा। वो पलंग में हम लोग सो रहे हैं, वरुण भाई ऊपर रूम हमारे साथ देना गलत है, वहाँ मैं सबको बोलूँगा जो हमें हमारे साथ कोई फिल्म कर रहा है, मैं साथ रूम मत दिया करो। हम लोग भाई बवाल मचा के रखते रूम में, मतलब रूम के रूम ऐसा हो सकता है वहाँ पर कि ऐसा लग रहा है कि वो गोबर गैस प्लांट फटे अंदर, समझ रहे हो? वो इतना बवाल मच जाता है उस रूम में, बवाल। हाँ, वरुण भाई भी उसमें, पार्टी भी उसी में हो रही है, मज़े भी कर रहे हैं, फिर शूटिंग भी जा रहे हैं, शूट के दौरान मज़े हो रहे हैं। उनको मैं धवन साहब बोलता हूँ, अरे धवन साहब आ जाओ टाइम हो गया है, ऐसे करके बुलाता हूँ मैं। और वो जियाल साहब मुझे करके, जियाल साहब आ रहे हैं, ऐसे करके हम लोग मज़े करते हैं और थोड़ा उत्तराखंड के मज़े लेते हैं, वहाँ यहाँ की बहुत बातें करते हैं, सब कुछ पता है उनको यहाँ के बारे में। कब लेकर आ रहा हूँ फिर? मैं लेके आता हूँ अगली बार पक्का। उनके वो श्रद्धा तो बोल रही थी, उनके अंकल सर ने कैफे भी खोला है यहाँ। अच्छा? हाँ, शक्ति सर ने, आओ ललिता। हाँ हाँ सच्ची, हाँ एक बात बता है ना, एक मैं देखा था, सच्ची बोल रहा है, मजाक की बात नहीं है, वो मॉल के पास खुला है, मैं देखा था, आओ ललिता, शायद शक्ति सर का है, तो जाना पड़ेगा, आओ। हाँ जाना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ कि यू नो उत्तराखंड से आपका फेवरेट रैपर कौन है यार, जिसको आप सुनते हो? यार आप, मैंने ये भी सुना है कि रहते आप मुंबई में हो पर कान आपके देहरादून होते हैं। हाँ, देहरादून उत्तराखंड होते हैं, सब कुछ जानो कौन है? डिवाइन है, डकैत है, और ये दोनों हैं जो मुझे बहुत ऑनेस्ट लगते हैं, मैं उनसे रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत ही रॉ, कोई बनावटी नहीं है, कुछ कुछ बनने को नहीं जाते हैं, और ऐसा नहीं होता है कि यार चलो अगर वहाँ का हिप हॉप है तो उस स्टाइल से बोलो, ये उमान वो सब ठीक, यहाँ के तो यहीं की लैंग्वेज बोल रहे हैं, है मेरा चक्कर चल रहा है तो चल रहा है, तो चल रहा ही होगा वो, हाँ वो चल रहा है नहीं होगा, यो व्हाट्सएप, हाँ तो मेरा चक्कर चल रहा है उस लड़की से, तो उससे चल रहा ही होगा वो, समझ रहे हो ना? ऐसा है, बिल्कुल रूट से जुड़े, हाँ, रियल रियल टॉक है, हाँ रियल टॉक है, वो ऐसे करते हैं और एक्सपीरियंसेस से बने हैं वो, मतलब एक्सपीरियंसेस जो होते हैं यहाँ का हिप हॉप जो है वो एक्सपीरियंस ही होगा ना, मुझे इतना पता नहीं है, मैं तो नहीं था, मैं इतना नहीं हूँ इतना हिप हॉप, मगर मैं ये बोलूँगा जो उनका जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके पास कुछ होगा नहीं एक्सपीरियंस, आपके घर में सब कुछ है, मर्सिडीज है, सब कुछ है, तो आप क्या लिखोगे, आप क्या बोलोगे, आप क्या गाओगे, क्या लगेगा हमें? स्ट्रगल नहीं, वो था दिन, वो डिवाइन वगैरह, इनके एक्सपीरियंसेस हैं, और एक्सपीरियंसेस जितने होते हैं उतना कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर आप एक फिल्म में, आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक फिल्म चल रही है, ठीक है, एक सिनेमा चल रहा है, एक मोशन पिक्चर चल रही है, उसमें एक बुद्धा बैठा है, एक बिल्कुल बुद्धिस्ट बैठा है, और वो सिर्फ मेडिटेशन कर रहा है 3 घंटे, आप कितने देखोगे उसे? नहीं कर रहा है। जहाँ एक ऐसे मक्खी आके उसे यहाँ लग गई और उसने एक ऐसे कर दिया, सारा ऑडियंस ऐसे हो जाएगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट, एंड वेयर देयर इज कॉन्फ्लिक्ट देयर इज स्टोरी और कैरेक्टर और सब कुछ बनता है। तो वो इनके इनके जो एक्सपीरियंसेस भी हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, सोसाइटी ने नहीं माना, अच्छा घर वालों ने नहीं माना, अच्छा ये करके हम आए, अच्छा बाप चले गया, कॉन्फ्लिक्ट, तो जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ मैं, ऑब्वियसली बात है, इट इज़ नेचर ऑफ ह्यूमन टू वॉच। बाहर अगर आप आवाज़ सुनने लग जाओ, इंडिया में झगड़ा होने लग जाए, तो सब इतने बीइंग में रहते हैं, सब वहाँ जाके सब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है। तो देर इज एक्सपीरियंस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन डिवाइन एंड शेडी एंड डकैत, तो वो मुझे जोड़ के रखता है। सही भाई। अच्छा मेरे को ये बताओ, यू नो सबसे लास्ट मैंने सवाल पूछना था कि स्लो मोशन डांस आपका यार, जो मतलब यू नो सब एक्टर बिपाशा को अपने आई थिंक पोस्ट भी किया था, सब लोग फैन हो गए थे उसके, सब उसको कॉपी कर रहे थे, तो वो कहाँ आया, कहाँ से यार वो, जब DID में ऑडिशन लिया? यार स्लो मोशन जो था वो पहले स्लो मोशन डांस में नहीं करता था मैं ना, स्कूल में क्लास में जब छोटा था तो मेरे को, मैं बोलता था बच्चों को कि बच्चों मुझे ना तुम मुक्का मारो, तो मैं स्लो मोशन में गिरता था ऐसे करके, तो पिक्चर में होता था, हाँ वो पिक्चर को देख के वैसा, बच्चन साहब भाग रहे स्लो मोशन में वैसे देख के, वो आई थी मैं हूँ ना उसमें, वो पहली बार हुआ था वैसा स्लो मोशन, तो वो देख के मैंने वैसे किया, ऐसे नहीं बोलूँगा कुछ। और तो फिर अब उसके बाद डांस में मैंने उसे डांस में स्टार्ट किया करना, एक स्टेप अप टू द स्ट्रीट्स का था, मैंने कहा तो स्लो मोशन डांस में भी कर सकते हैं, पूरा पॉपिंग एनिमेशन, फिर मैंने एनिमेशन के बेसिक्स किए, वो सब यूट्यूब से देख देख के, वर्कशॉप यूट्यूब से देख देख के मैंने वर्कशॉप करी पॉपिंग की बेसिक्स की और फिर एनिमेशन की, तो वो उसमें मैंने इजाद कर लिया स्लो मोशन। उसके बाद
पहले एक बार मेरा इंटरव्यू लिया था मेरे भाई ने लक्की ने, तो तब मैं एकदम बोल रहा था ना मैं फेक प्रटेंशियस कि मैं ऐसा हूँ, मैं चाहता हूँ लोग मुझे ऐसे देखें। तो उसमें मैं बोल रहा था मुझे पत्तों ने सिखाया है, मुझे पेड़ों ने सिखाया है, मुझे टहनियों ने सिखाया है, मुझे ये क्या है ये चींटियों ने सिखाया है। वो इतना हंसा था, अब मैं इतना हंसता हूँ उसे देख के इंटरव्यू को अपने आप को, तो मेरे को ना बड़ी हंसी आती है पहले का देख के ना अपने आप को। तो ये सो ऐसा नहीं है, अब मेरे को ये ऐसे सिखाऊँ मैं स्लो मोशन और ये ऐसा बनाऊँ। यस ठीक है मेरे भाई। अच्छा जो यंग जो डांसर्स आ रहे हैं, यू नो जो कोरियोग्राफर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यू नो एक मिनट, ठीक है रखना रखने अच्छा लगता है। हाँ उनको क्या मैसेज देना, उनको क्या मैसेज देना, क्या डांसर्स? हाँ डांसर्स जो यंग, हाँ यार कसम से अच्छा, जो मतलब वो फेस ना करें जो आपने किया था। जैसे यंग डांसर्स को मैं मैसेज देना चाहूँगा, डांसर्स या जो भी आर्ट में आप जा रहे हो, मैसेज ये देना चाहूँगा कि पहले तो डांसर्स को ये देना चाहूँगा मैसेज कि आप डांस करो पहले अपने आप इन्जॉय करने के लिए। यस कभी कभी आपको ऐसे रहे हो आप, हमेशा आपको दबाया, आप प्रूफ भी करते हो कभी कभी, बट समटाइम्स ऐसा भी आएगा आता है कि आप इन्जॉय करते हो खुद भी, वो इन्जॉय मेन है, वो आप खुद सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मेन है, इन्जॉय करो। आप हमसे आकर ये मत पूछो सर DI उसमें आने के लिए कैसे क्या प्रिपेयर करो, इसमें आने के लिए क्या प्रिपेयर करो, डांस प्लस में आने, अरे वो तो था भी नहीं हमारे टाइम पे जब हम डांस करते थे, अपने मन की वो तो बहुत बाद में आया है सब। हम तो कब बचपन से स्कूल में, क्योंकि अब इन्जॉय करना है डांस, कोई गाना चला दिल मेहंदी बहुत चलते थे, स्टार्ट इन्जॉइंग योर डांस योर आर्ट जो भी है वो इन्जॉय करना करो, फिर आप यस देन थ्राइव, देन ऑब्वियसली गोल्स होने चाहिए, ड्रीम आपके बड़े होने चाहिए, गो फॉर इट बट डांस और जो भी अपनी आर्ट है डू इट फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, पहले अपनी शांति, हाँ अपने के लिए, वही बोलते हैं ना पहले अपने आप पे चेंज आएगा तो आप सोसाइटी में चेंज ला पाओगे, तो वो अपने आप इन्जॉय करोगे तो लोग इन्जॉय कर पाएंगे आपकी चीज़ें। एक और चीज़ यार मैं आजकल भाई जो मैंने नोटिस करा है कि ना पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है कि यार मैं 2 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ बनेगा, तो अब बहुतों के लिए मतलब हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने 4 साल स्ट्रगल उसके अलावा कुछ चीज़ें मिली, अगर कोई सबकी लाइफ की अलग अलग डेस्टिनी है, तो मेरे को ये आपको क्या लगता है कि लोगों को मतलब जल्दी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, क्या पता मतलब अगले साल आपका नंबर हो? हाँ बिल्कुल, जल्द हिम्मत मत हारो। यस और बी इंटेलिजेंट ऑल्सो, बी वाइज ऑल्सो कि आप ये कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्या पता आप इसके लिए बने हो, आपको अगर टैलेंट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है आपको पता होना चाहिए, ये भी नहीं कि गधा गधा मजदूरी कर रहे हो एक चीज़ के, अब मैं मेरे को मैथमेटिशियन बनना है, मैं लगा पड़ा हूँ, अरे मेरा क्योंकि दिखने में अच्छा है लोगों को, नहीं लेकिन वो है, बट वी हैव टू नो व्हाट यू आर, मेड सब लोग यूनिक हैं और एवरीथिंग इज यूनिक, आप सब यूनिक हो। अगर आप, मैं आँख बंद कराऊंगा आप सबके यहाँ पर जो रूम में है और सबको बोलूंगा एक रोड इमेजिन करो, सबकी रोडें अलग होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारी रोडें एक हों, सो एवरी वन इज यूनिक फ्रॉम इंटरनली, सो बी किसी को बन, मेरे को मत बने, मैं मत बनूँ, मैं कुछ नहीं हूँ भाई, मैंने गलतियाँ की हैं, मैं सारी वो चीज़ें करता हूँ जो आप करते हो, मेरे अंदर गिल्ट था, मेरे अंदर फियर है, मेरी इनसिक्योरिटी है, मेरे अंदर सब जेलेसी है, आई एम मेड ऑफ एवरीथिंग, जिस चीज़ से आप लोग बने हो, तो आप कौन हो, बी यूनिक, यूनिक मतलब आप जो हो वैसे ही रहो वैसे, और वो ही उसी से थ्रू आप निकलोगे जैसे भी आपको निकलना है, ये मैं यूथ को कहना चाहता हूँ। थैंक यू भाई। अच्छा भाई टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, कि फ्यूचर में क्या क्या धमाका करने वाले यार आप? यार फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो हैं मेरे, वो तो स्ट्रीट डांसर 3D है, वो मेन है, उस पर चल रहा है काम जोरों शोरों से, और एक मैं सोच रहा हूँ एक प्ले करूँ जाके सौरभ सर के साथ जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, और तीसरी वो होस्टिंग का 2-3 है, और फिल्म्स के मैं ऑडिशंस देते रहता हूँ जितना, और मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ, मैं लाइन में खड़े होने को रेडी हूँ ऑडिशंस के लिए, 1-1 घंटा 2-2 घंटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना सा भी रोल होगा एज एन एक्टर आई विल एक्सप्लोर एंड आई विल डू एवरीथिंग। मैं इनको भी बोलता हूँ सबको यार कुछ करते हैं साथ, मतलब हाँ करते। अच्छा एक मूवी कर रहा है बहुत सीरियस है जो कि डांसर्स के ऊपर बेस्ड है, वो तो उसकी तैयारी चल रही है, स्क्रिप्टिंग चल रहा है अभी उस पर, तो वो मैं चाहता हूँ वो करूँ यार मैं, वो बहुत ही उससे कुछ अलग एक्सप्लोर होगा मेरे अंदर के, नॉट एज अ डांसर एज एन एक्टर, एज एन एक्टर हाँ। ठीक है तो भाई जैसे मैं बोलता हूँ कि दिल्ली का सबसे फिल्म डायरेक्टर राज जोंस, फर्स्ट टाइम आप मेरे शो पर आए, तो भाई कैसा लगा ये बताओ यार? बहुत ही बढ़िया लगा यार, बहुत ही ऑनेस्टली मैंने बिना किसी कॉन्ट्रोवर्सी के पूरा करा है, लेकिन यस बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ऑनेस्टली तुमने पूछा, बहुत ऑनेस्टली मैंने जितना हो सका फिर से मैंने बताया तुम्हें अपने बारे में खुल के, और बहुत मजा आया, मैं चाहता हूँ मैं दोबारा करते रहूँ इंटरव्यू, क्या पता स्ट्रीट डांसर के बाद दोबारा आऊँ मैं, और फिर उसके बाद तुम नए कुछ सवाल होंगे, कुछ नए जवाब होंगे मेरे पास, और कुछ हाँ कुछ बदलाव मेरे में होगा, कुछ बदलाव तुम में होगा, और उसके बाद जी फाड़ते करेंगे। अच्छा मैंने सुना कि खाली टाइम पर मेरे इंटरव्यूज देखते हो, क्या चीज खाली टाइम पर आप मेरे इंटरव्यूज देखते हो? हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हारे इंस्टाग्राम पर क्या बोलते स्टॉक कर रहा था, क्योंकि ये जो एक रायचू भाई थे वो लोग थे, उन्होंने मुझे बताया था कि आप आए हुए थे, तो मुझे
तब नहीं पता था लक, तो मैंने देखा ये तो देखे देखे लग रहे मेरे स्कूल में तो नहीं थे क्योंकि तुम लगते भी पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी। फिर मुझे याद आया कि रफ्तार का इंटरव्यू देखा था मैंने, अच्छा। तो उसमें तुम थे बिल्कुल अलग, कैप पहनी हुई थी बिल्कुल अलग, अब लग रहे हो तुम पहाड़ी, लग रहा है मेरे साथ ऊपर जाने वाले पौड़ी मेरे साथ है ना। तो वो देखा था, तो मैंने भैया ये सब देखते रहता हूँ मैं। और एक एक बंदे का तुम इंटरव्यू ले रहे थे अभी इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा है रिसेंटली, जिसमें आपने सवाल पूछा कि ऑडियंस आपके लिए ये कह रही है, तो उसने वो हंसते लग गया, वो क्या था ना मुझे पूछे थी उस वो उनका देखा था। तो यस देखता हूँ यार, और अब अपना देखूंगा। थैंक यू भाई, आप मेरे शो पर आए, फ्यूचर में खतरनाक काम करो, मैं तो बोलो जी फाड़ काम करो, सब जी फाड़। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई।